इंडिया में आके बनाइए, इंडिया में ऐसे वेंडर्स हैं जो टेस्ला को मटेरियल दे सकते हैं, यानी एंसिलरी इंडस्ट्री की बात हो रही है। एक छोटा सा सोलेनोइड वाल्व बनाना है ना, छोटा सा एक बोल्ट बना लेना या उसकी जो रिम है वो बना लेना, डोर्स के लॉक, कांच, विंडशील्ड, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। ये आपकी बात कर रहे हो कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है। देखिए आप पे कितना भरोसा है इस देश को कि आपकी बात हो रही है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं घर बैठ के 50,000 रुपये में इंडस्ट्री शुरू कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत अच्छी मशीन्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लेवल का आपको प्रोडक्शन करना होता है। बहुत बेहतरीन आपको मशीनें चाहिए होती है, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। तो जो लोग ऐसी एंसिलरी इंडस्ट्री डाल सकते वो कृपया करके पूरी ताकत के साथ जल्दी से डालें, इससे पहले कि बाहर की कंपनी आके यहाँ अपनी सब्सिडरी खोल लें। आप डाल लीजिए, क्योंकि भारत तो आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया तो खूब हो रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया में जो आपको काम मिलना चाहिए उसमें अभी तक आप आगे नहीं आए। बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा कुछ। अब समय बदलना चाहिए, अब आप काम करने चाहिए, तब मज़ा आएगा, है ना। शैलेन जी शर्मा, शांडिल्य मनमिक शर्मा, समझ में नहीं आया सरनेम कौन सा वाला है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल में डीजल कार वाला पावर तो नहीं होगा ना सर? एक बार टेस्ला का जरा देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको आनंद आ जाएगा। डीजल छोड़िए, पेट्रोल की भी पापा है वो, ठीक है ना। मुनीश जी कहते हैं बाय द वे राम राम, ग्रेट वर्क सर, कीप अप द एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए आगे सुन लें फटाफट जल्दी से, इन्होंने क्या कहा, समय कम रहता हमारे पास में। अब थोड़ा सा एक मेरे मन की बात है जो मैंने टेस्ला को बार बार कही कि चाइना में बनाकर हिंदुस्तान में बेचने वाला काम मत करो, हिंदुस्तान में आओ, हमको मदद करते हैं, यहाँ हमारे वेंडर्स हैं, हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ बेचो, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करो, जो मदद चाहिए आपको हमारी सरकार करेगी। पर वो धीरे धीरे, हिंदुस्तान का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है और हमारे यहाँ इतने बड़े प्रमाण पर डिमांड है कि एक दो बातें मैं अक्सर कहता हूँ, हिंदुस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा ऑटोमोबाइल का खरीदी में, टू व्हीलर थ्री व्हीलर, आप जितने लोग एक घर में 3 लोग और 4 गाड़ियां हैं और दिल्ली में तो अरुण पुरी जी की क्षमा मांगकर बताता हूँ, यहाँ पार्किंग करते नहीं, जैसे सरकार के रोड है ये इनके लिए बना है इसलिए गाड़ियां रोड पर खड़ी कर देते और पार्किंग है। मुंबई में ऐसा नहीं होता, हर जगह पर पार्किंग होता है। तो अब धीरे धीरे इसमें कोई नहीं कि टेस्ला को आएगी, अभी मार्केटिंग उनका शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि आएगा। दूसरा, टेस्ला के बराबर और एक अमेरिकन ब्रांड है, वो भी ऑलरेडी उसका भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है। दूसरी बात जो बहुत, अब टेस्ला तो अच्छी है, मैंने चला, इतनी लाइट सुंदर है, टेक्नोलॉजी बहुत ही बेस्ट है, उसकी बराबर की टेक्नोलॉजी अब टाटा ने कोई कम अच्छी कार नहीं बनाई इलेक्ट्रिक की, ये लैंड रोवर ने अच्छी नहीं बनाई है, यह सब जितने लोग टोयोटा बना रही है अभी वो उन्होंने भी अच्छी बनाई है। अब ऑल इंडियन ब्रांड्स, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू, जितने यहाँ है वो भी लगातार रिसर्च कर रही। देखो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं इनका धन्यवाद दूंगा, ये यंग टैलेंटेड लड़के जो है हिंदुस्तान के, ये इतना रिसर्च कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप इतनी न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो साहब दुनिया भर की कंपनियां आ गई, दुनिया भर की ले आए। टेस्ला अगर नहीं भी करेगी तो उसके कॉम्पिटिशन में इतने सारे ले आए, टाटा तो है ही, टाटा इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं, तो हम तो टाटा इलेक्ट्रिक से भी खुश हो जाएंगे, है ना, फिर क्या। पहले भी मैंने बोला कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बीच में इस तरह से कमेंट ना डाले, इतने बज के इतने मिनट पर देख लें, आपको टाइम अलग दिखता है, हमको टाइम अलग दिखता है ना। 1:13 का कमेंट देखिए, 30 मिनट पे 1:13 का कमेंट देखेंगे, कमाल हुआ। खैर तो टाटा भी आ गई, तमाम सारी कंपनियां और आ गई और लोग इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कहो भाई साहब, छोटे छोटे लोग भी स्टार्टअप भी कर रहे हैं, तो स्टार्टअप कौन से, पेट्रोल डीजल का मूल्य बढ़ने देना चाहिए, खपत कम हो जाएगी, लोग बेवजह यूज़ करना बंद कर देंगे। वेरी गुड दीप आहूजा जी, बिल्कुल सही। अपने ज़माने में पहले जब हम छोटे थे तब ज़रूरी कामों के लिए गाड़ी निकाली जाती थी, मेरे तो पिताजी खुद ऑफिस जो है साइकिल से जाया करते थे, बाद में जो है जब रिटायरमेंट के आसपास थे तब पैदल जाया करते थे। तो ये रहा, सेहत बहुत अच्छी रहती है, इन सब चीज़ों से सिर्फ नुकसान होता। खैर आगे सुने। मैं मानता हूं कि 2-4 साल में ये सब टेस्ला के बराबर रहेंगे। आपको एक वो, उसने अभी उनके फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए मैं जा रहा हूँ, ओला वाले भावी अग्रवाल,
वो आशिया का सबसे बड़ा ब्रांड, उसका कितना बुकिंग हो गया स्कूटर का, 1,00,000 रुपए के स्कूटर। वही तो अभी केतन बता रहा था कि वहां डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई चल नहीं पा रही है, तो आई थिंक यू गॉट इनटू द राइट स्पेस एट द राइट टाइम। 100% ये बिल्कुल, ये लोग ये जो, आप दूसरी बात आपको एक बात बताओ, ये भी आप लोगों को जाओ, आत्मनिर्भर भारत के लिए टेक्सला अच्छी है। नहीं तो आपने कहा ये लोग भी टेक्सला जैसे